यूपी के बरेली से जहां थाना इज्जत नगर क्षेत्र के अब्दुल्ला माफी गांव में नदी से जेसीबी मशीन लगाकर खनन चल रहा है। टीम ने कार्रवाई करके वापस लौट रही थी। आपको बता दें कि खनन माफियों ने एसडीएम की गाड़ी को घेर लिया। इतना ही नहीं, उन पर कई राउंड फायरिंग की गई और इस बीच दबंग ने कर्मचारियों पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में होमगार्ड प्रेमराज गंभीर रूप से घायल हो गए। उपजिलाधिकारी सदर पर हुई इस घटना से इज्जत नगर पुलिस महकमे पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे पहले भी खनन माफियों ने इसी थाना क्षेत्र में एसडीएम बिसुराज पर जानलेवा हमला किया था। पुलिस ने इस मामले में चार लोगों के खिलाफ इज्जत नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। अवैध बालू खनन की सूचना के बाद एसडीएम दबिश देने पहुंचे तो बेखौफ खनन माफिया इतना नाराज हुए कि उन्होंने एसडीएम के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। उन्होंने हमला कर दिया। इस हमले में दो होमगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए तो उनको उपचार के लिए बरेली के जिला अस्पताल में लाया गया। एसडीएम सदर पर खनन माफियों ने कोई पहली बार हमला नहीं किया है। इससे पहले भी बेखौफ खनन माफियों ने एसडीएम सदर को अपना टारगेट बनाया है, जो कि युवा एसडीएम सदर लगातार खनन माफियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इज्जत नगर थाना क्षेत्र में इससे पहले भी खनन माफियों ने उन्हें टारगेट किया था, लेकिन इस हमले में एसडीएम सदर बाल बाल बच गए थे, जिसका मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया था और एक आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचाया था। क्या नाम आपका? प्रेमराज। क्या घटना हुई थी आज सुबह आपके साथ? सुबह 7 के बाद खनन का फोन आया था, एक बार खला जैसी भी चल रही है। तो हम लोग सुबह गए थे, तो जब निकल रहे थे अब्दुल्लापुर माफी की खबर आई थी, और जैसे ही पहुँचे तो महानगर के पास में दो ट्रालियाँ खन मिट्टी की आ रही थी। उन्हें पकड़ के रोलखंड चौकी में बंद कराया। उन्होंने बताया कि रजपुरा माफी के पास जैसी भी चल रही है। कौन लोग हैं जिन्होंने आपके ऊपर हमला किया, आपकी टीम को हमला किया? एक नेताजी का नाम ले रहा है, नेताजी की कोई सहगिरदी है कि हम जानते नहीं हूँ, हम नेताजी के आदमी हैं। किस चीज़ से हमला किया? हमला किया, एक डंडे थे, एक रॉड थी, एक छुरी, एक लोग पे तमंचा था और एक लाइसेंसी बंदूक थी। कितने लोग थे? तीन लोगों को पता था और घर में 3 औरतें और 3-4 अज्ञात लोग थे। कैसे, पहले भी कभी हमला कर चुके हैं? जे हम गांव वालों पर हमला कर चुके हैं, हमसे कोई नहीं किया। गांव वाले अगर विरोध करते हैं, आज गांव वाले आए भी थे, कम से कम 50 आदमी गांव वाले आए थे आज पड़ोस के, कुमरा, रजपुरा माफी और चावड़ के, इनके खिलाफ। और अभी भी थाने में इस टाइम मौजूद हैं वो 50 लोग। अब तक कितने लोग पकड़ गए हैं? अब तक एक व्यक्ति पकड़ा गया है। जिसमें कौन था, जो तमंचा चला रहा था वो व्यक्ति था या क्या था? जो क्या कहते हैं, छुरी से वार करता था और वो तमंचा जो चला रहा था, बंदूक भी लेके वो भाग गए। वादीगण प्रेमराज, मनोज छत्रपाल एवं सूरजपाल के द्वारा थाना इज्जत नगर पर एक सूचना दी गई कि उन्हें मुखबिर खास के द्वारा एक सूचना दी गई कि अब्दुल्ला माफी गांव में अवैध खनन का कार्य चल रहा है। इस सूचना पर यकीन करके वो लोग एसडीएम सदर के साथ उस गांव की तरफ जा रहे थे, तभी महानगर कॉलोनी के सामने रोड पर एक मिट्टी की ट्रॉली मिली। उस ट्रॉली से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि वो अवैध खनन का है। उसे रुहेलखंड चौकी पर लाकर खड़ा कर दिया गया और उस ट्रैक्टर के ड्राइवर से पूछा गया तो उसने बताया कि अब्दुल्ला माफी गाँव में नदी के पास में जेसीबी से अवैध खनन हो रहा है। उक्त सूचना पर यकीन करके ये सभी लोग उस घटनास्थल की तरफ पहुंचे। वहां पे जो लोग खनन कर रहे थे वो इन्हें देखकर भाग गए, तो ये लोग वापस आ रहे थे। जब ये लोग वापस आ रहे थे तो इनकी गाड़ी के सामने एक गाड़ी आ गई और उस गाड़ी में जो भी व्यक्ति बैठे थे उनमें से उतर कर एक व्यक्ति के द्वारा फायरिंग की गई अवैध तमंचे से, जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई एवं चाकुओं से भी वार किया गया। इन संबंध में थाना इज्जत नगर पे 307, 332, 353 के अलावा अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। नामजद अभियुक्त में से एक व्यक्ति गिरफ्तारी कर ली गई है। अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी करने के लिए टीमें गठित कर दी गई है, जगह जगह पर दबिश दी जा रही है। उन सभी लोगों को गिरफ्तार करके इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।